संगीत कार जी गुरु भगत के सेमिनार में हेलो और जो मंच संचालन कर रहे हैं हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के कथातिक रूप भाषा में कहते हैं मीडिया प्रभारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत अनुसंगी इकाई भी उदू भगत जिनके पधारी लोग अध्यक्ष संजय कच्छप जी और हमारे सचिव संतोष राव जी, कोषाध्यक्ष संतोष प्रधान जी और उप कोषाध्यक्ष फुलचंद गंगू जी, इन लोगों की भी मैं इस मंच में स्वागत करना चाहूँगा और स्वागत करता हूँ। और हमारे पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के संयोजक जो हमें रास्ता दिखाने वाले, रास्ता बताने वाले बड़े भाई विनोद भगत का भी मैं इस मंच में स्वागत करता हूँ। और इस पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का बेल राजा विजय उराव, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस भवन में उपस्थित जितने भी पढ़ा से आए हुए हमारे पढ़ा अधिकारी, बेल, दीवान, पटवार, महतो, एंधारा, कहतो, कताहा और हमारे वीर बुद्धू भगत के जितने भी गांव से आए हुए संगठन के लोग, मेरे नौजवान भाई बहन और पहान गुजार महतो, सभी को मैं अपने हृदय से सह धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक शुभकामना करता हूँ इस मंच से। मुझे खेद है कि मैं रात में रहने नहीं सका, कहीं ना कहीं काम पड़ जाने के कारण मैं आपके बीच में रात में समय नहीं दे सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं की बात आती है कि हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है और वही कारण मेरे पास है कि एक अकेला होने पर भी अपने आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने पार परिवार में उसी प्रकार हमें गाय भी रखे हुए हैं, उनका भी दूध दुहना पड़ता है टाइमली, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रात में नहीं रह सका। लेकिन मेरा दिल रात से ही सोच रहा था कि कब मैं जाऊँ वहाँ और कब मैं वक्ताओं का बात सुनूँ, कब मैं अपनी बातों को रखूँ, इस तरह से इसलिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे मैं कुछ बातों को रखना चाहूँगा। सभी ने कहा कि हम एक समाज को सशक्त मजबूत कैसे करेंगे, एक संगठन को सशक्त मजबूत कैसे करेंगे। सभी लोगों का विचारधारा बहुत ही अच्छा है, सब लोग ने सोचता है कि इस संगठन को हम कैसे मजबूत करें। और हमारा संगठन, हमारा आदिवासी समाज संगठित है, बस विचारधारा को बदलने की जरूरत है। हमारा पुरखों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं थी, जिस समय बरगद की नीति पढ़ा करते थे, आश्रम हुआ करता था, कुटिया हुआ करता था, उस समय इतना विद्वान थे कि आपके लिए हर गांव में, हर टोला में, हर पढ़ा में ऐसा व्यवस्था बना के दिए हैं। उस व्यवस्था में हमें तेल डालने का जरूरत है, हमें बत्ती जलाने का जरूरत है। आज देखिए, भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आपका गांव घर में 32 प्रकार का जमीन आपको दे के गए हैं, कपूर खा लो दिए नहीं करें, 32 प्रकार का जमीन दिए हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं होगा, सारे गांव में
12 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़, 10 एकड़ जमीन आपका पुजारी जमीन होगा, आपका सामाजिक जमीन होगा। लेकिन हमारा ये दिमाग और हमारे समाज के भी लोग, जो पदाधिकारी लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं विकृत हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के परिवेश में चले गए हैं और इस विचारधारा को बदल नहीं सक रहे हैं। और जिस दिन हम इस विचारधारा को बदल लेंगे, उस दिन हम लोग हर पड़ाव में, हर गांव में ऐसा आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएंगे और ऐसे ऐसे हम लोग एकदम अच्छा बीआईटी मित्रा जैसा विद्यालय, हमारा लिवियस जैसा विद्यालय, त्रिवेणी जैसा विद्यालय, ये तमाम तरह का विद्यालय हम लोग निर्माण कर सकते हैं। विचारधारा को बदलना है और ये एक स्वर में हमें आवाज़ उठानी होगी कि हम आर्थिक रूप से मजबूत कैसे होंगे। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे वीरबुद्ध भगत के जो संगठन हम जो बना रहे हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, एक काम करना है। आज देखिए हमारे शिरूल एरिया में हर एक तरह की संस्थाएं आती है और इसी क्षेत्र में आदिवासी का विकास के नाम से, आपकी उत्थान के नाम से संस्थाएं बनाते हैं और संस्था लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के अपने बाल बच्चे को अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन आपका उत्थान नहीं हो रहा है। तो हमें ये जागरूक होना है और हमें भी प्रयास करना है पाढ़ा का माध्यम से, वीरबुद्ध भगत का माध्यम से, कि हर गांव गांव में छोटा छोटा समिति युवाओं का, युवतियों का, 10-10 का समूह बनाए और हम लोग सप्ताह में बैठे और सप्ताह में बैठकर अपना सामाजिक बात करें, अपना हंसा भाषा, रहन सहन, जितने प्रकार की सामाजिक जो हमारा धार्मिक बात होती है सप्ताह में बात करेंगे और कुछ वहाँ पर बचत करने सीखेंगे। बचत क्या करना है, जब हम लोग मेला चले जाते हैं, जतरा चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, तो हमें लगता है वहाँ पर हम 400-500 रुपया खर्च करके सप्ताह में आ जाते हैं। लेकिन उसी को अगर हम कंट्रोल करेंगे और सोचेंगे इस गांव में हम 10 का समिति बनाएं, क्यों सबको हम समझाने दें, सबको समझाने की जरूरत नहीं है। एक गांव अगर 10 मेंबर हम सही हो गए और 10 लोग सोच लें कि हमें बचत भी करना है, समाज का उत्थान भी करना है, ये सोच के अगर हम बैठना शुरू करेंगे तो हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। अगर हम 50-85 हर सप्ताह रखते हैं तो हमें लगता है एक गाँव में हर सप्ताह 500 यानी कि महीना में 2000, प्रत्येक गाँव में 2000 रुपया आना शुरू होगा और वो 2000 रुपया से, वो 2000 रुपया से हमारा जो ये गांव में समस्याएं होगी, अगर जिस बच्चा के अंदर, जिस गार्जियन, जिस गांव में, जिस घर में उनका पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है या पढ़ने पर रहा है किसी कारणवश, तो हमारे पास आर्थिक आय रहेगा तब तो हम उसको सहयोग करेंगे। तो इस तरह से हमें सोचना होगा, कहना नहीं, हमको सोचना नहीं, अब हमको करना होगा। खाली सोचना और बोलना दूर है, हमें आज इस सेमिनार में एकदम प्रण लेना है और जाना इस गांव में और 10 का एक समूह, चाहे वीरबुद्ध भगत के ही नाम से बना दीजिए, चाहे आप पाढ़ा का नाम से बना दीजिए, और बैठ करके जब तक ये मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, संगोष्ठि नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बड़ा बड़ा सेमिनार होगी, बड़े बड़े वक्ताओं आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, इसलिए हमको ये चीज़ को जानना है, आर्थिक स्तर मजबूत होना है और सभी पाढ़ा का काम है पहाड़ों को जागरूक करना। आज पहान का 5 एकड़ जमीन है, ढंगरमुटा का जमीन है, पहनाए जमीन है, पुजराए जमीन है, हाँ बहुत तरह का जमीन है। अगर हमारा पहान राजा लोग समझ जाएगा कि हमें समाज को चलाने के लिए, इस गांव बंजार को चलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए इस तरह का खेत दिया गया है, उस खेत से केवल हम पूजा ही करें क्यों, हम अगर इस खेत में पैदा करेंगे, गांव का पूजा पाठ करेंगे और उस समाज के लिए हम अगर महीना में 1000 रुपया देंगे, आप सोच लो लोहरदगा जिला में हमारा कितना जमीन है और कितना आपके पास पैसा आएगा, आप वो अंडानी बन सकते हैं,
वो अंबानी आप बन सकते हैं, आपके पास ये ताकत है, लेकिन इस ताकत को निकाल नहीं सक रहे हैं हम लोग, सोच नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पहान पूजा भी विचलित हो गए हैं। आज यहाँ पहानों का अंबार होना चाहिए, यहाँ पढ़ा राजाओं का अंबार होना चाहिए, यहाँ पढ़ा बेल दीवार कोटवार को आना चाहिए, इतना प्रचार हुआ होगा, व्हाट्सअप का जमाना है, लेकिन आज यहाँ पर देखिए गिने चुने लोग हैं, लेकिन भी अपनी इच्छा को कमजोर नहीं करना है, अपनी सोच को छोटा नहीं बनाना है, हमें हमेशा बड़ा रखना है, हमेशा बड़ा सोचना है और आगे बढ़ना है। एक दिन अवश्य हम लोग सारे समाज के लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। अभी पाढ़ा, पाढ़ा क्या है, पाढ़ा हमारा कितने पदधारी लोग हैं, पाढ़ा में हर एक गांव में, बोले आपका पूर्वज भले पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन आपके लिए इतना सुंदर व्यवस्था बना के दिया है, इतना सुंदर, पाढ़ा के अंतर्गत चाहे वो 3 पढ़ा हो, 5 पढ़ा हो, 7 पढ़ा हो, 8 पढ़ा हो, 21 पढ़ा हो, 84 पढ़ा हमारे झारखंड में है, तो आपके लिए पढ़ा में क्या दिया है, सबसे पहला तो आपका एक बेल राजा का पद दिया है, बेल के बाद आपको दीवान दिया, दीवान के बाद आपको कोटवार दिया, कोटवार के बाद आपको कहतो दिया, करटहा दिया, ये सारे का काम अलग है। आपका गाँव घर में देखते होंगे जब कोई मर जाता है या कोई आपका छुटका बोलते हैं, छुटका बिटाने के लिए कौन करता है, पहले कटहा खाना पड़ता है, पहले कटहा खाएगा तब पूरा गांव वाले लोग खाएंगे। हाँ, ये आपका समाज में इतना सुंदर कोई बनाया, कोई संविधान में, लेकिन आपका पुरखा लोग संविधान बना के दिया और उस संविधान को हम सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, दुख की विषय है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो 5 पदधारी लोग हैं, इनको हर पढ़ा में मजबूत रखना होगा, 5 जो है बेल, दीवान, कोटवार, कहतो और करटहा, ये 5 लोगों को हर पढ़ा में हमेशा के लिए हिडिक तैयार समाज के लिए रहना होगा। अब चलते हैं हम गांव स्तर पे, गांव स्तर पे चलेगा तो गांव स्तर पे भी हमारा पुरखा लोग ने बना के दिया है, जिसमें हमारा ये है गांव का मालिक पहान, नहीं महतो, तब फिर पहान, पूजा, भंडारी, तब फिर होता है पेलो कोटवार, जोग कोटवार, तब फिर होता है सखी पेलो, सखी जो पर, फिर होता है जेठ रैयत और गौरव, यानी 10 मेंबर आपके गांव में हमारे पूर्वज ने बना के दिए हैं, लेकिन ये 10 मेंबर आज भी हमारा सक्रिय नहीं है, हम इसको सुचारू रूप से बना नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम दूसरे को प्रतिकार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हाँ, इसलिए हम कहेंगे आज के इस सेमिनार से हमें यही प्रण लेना है, यदि हम अपना पेशा कानून को सुरक्षा करेंगे, पी पेशा को बचाना चाहते हैं, हमारा रूढ़ी प्रथा को बचाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी गांवों में 10 मेंबर्स की सदस्य को बनाना होगा, तभी हम अपना गांव गंजर, अपना पढ़ा को संचालित कर पाएंगे, अन्यथा हमको कोई नहीं बचाएगा डूबने से। इसलिए आप सोच लो कि हमें 10 मेंबर को एकदम ठीक करना है, बनाना है, और वो 10 मेंबर बना करके जितना जल्द हो, हम लोग अभी लड़ रहे हैं या मांग कर रहे हैं झारखंड में जो पेशा कानून 1996 आया है, ये कानून पे सरकार भी असमंजस में है, सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को बोला गया था कि इतना दिन के अंदर आपका आपत्ति दर्ज करें, और हमारे आदिवासी समाज में कई एक संगठन जो आपत्ति दर्ज किया है, लेकिन वहाँ पर भी आनाकानी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आपको दे रहा है लेकिन आधे अधूरा दे रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे आज इस सेमिनार से कि हम लोगों का एक गुणगान होना चाहिए, और जिस तरह से त्रिपुरा में बिल पूरे रूप से आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण अधिकार, जिसको बोलते हैं पूर्ण, आपको आदिवासी जो कहेगा वो ही होना चाहिए, इस सरकार वहां पर कानून बना दिया, इतने 2-4 दिन हो रहा है, बैठक बुलाया और कानून बना दिया, कस्टमरी लोग को जो बोलते हैं हमारा समाज में, उनके लिए वो कानून बना दिया, कानून के तौर पे आप जो कहोगे आदिवासी क्षेत्र में वही कानून को सरकार मानेगी। लेकिन आज हमारे झारखंड में, जो झारखंड से ही हमारा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, जहाँ पर भी गए हैं, कि झारखंड का संस्कृति को आज भी बरकरार रखे हुए हैं, आपकी भाषा को रखे हुए हैं, लेकिन यही हमारा झारखंड आज भी हमारा
सिस्टम और कस्टम से हम पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम जागरूकता नहीं है। आज देखिए हमारे ही झारखंड में आप चले जाओ, मानकी मुंडाओं का क्षेत्र में चले जाओ, तो मानकी मुंडा का क्षेत्र में भी आज हमारे ही झारखंड में उनको पूर्ण अधिकार उनका व्यवस्था में है, उनको जाति बनाना, उनको राशित करना, उनको बंदोबस्ती करना, पूर्ण अधिकार आपका झारखंड में है, आपको पूरा वहाँ का महतो राजा लोग को आपका जाति बनाने का अधिकार है। लेकिन हमारा ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, जो हम लोग बेड़ों से लेकर मांडव से लेकर के गुमला से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के लातेहार क्षेत्र में जो आते हैं, ये क्षेत्र में आपकी क्यों नहीं? हमारा पढ़ा व्यवस्था जिस दिन संविधान नहीं बना था उस दिन से मेरा पढ़ा व्यवस्था था, लेकिन भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं हुआ। इनका कारण हम हैं, इनका देशीवाद हम हैं। अगर हमारी सोच अच्छी रहती, हमारा विचारधारा अच्छा रहता, तो आज हमें भी उसका अधिकार मिला रहता। पढ़ा हमारा जाति प्रमाण पत्र बना था पढ़ा राजा, हमारा खेत खलिहान जो है इसका बंदोबस्ती करता, अधिकार देता, लेकिन ये सारा चीज खत्म हो गया है। हम अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे मंच से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को पैसा भी अभी जो आने वाला है, इस पर हम लोग को और गहन चिंतन करने की जरूरत है। और हम लोग को कहना क्या है, हम लोग को चिट्ठी जाना चाहिए मुख्यमंत्री के पास कि यहाँ का जितने प्रकार का खनिज संपदा है, चाहे वो बालू हो, पत्थर हो, ईटा हो, जितने प्रकार का जमीन से निकलता है अभ्रक, वो सारा व्यवस्था को ग्राम सभा को आप सौंपिए। ग्राम सभा जो कहेगी वो ही होगा, अन्यथा ग्राम सभा को आप रॉयल्टी दीजिए। ये हमें मुख्यमंत्री के पास भेजना चाहिए आवेदन, तभी कहीं ना हमें पूर्ण अधिकार मिल पाएगा, अन्यथा आधा अधूरा मिलेगा, फिर हमारे बीच में कटपट कटपट होते रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए इस चीज़ों को हमें मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, तभी हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और पढ़ा को एकदम मजबूत करने का एक ही उपाय है कि आप हर पढ़ा में जो 5 पदधारी लोग हैं उनको एडिग रहना होगा, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए 10 पदधारी लोग हैं उनको मजबूत करना होगा। आप पूरा गांव में मत देखो, अगर 300 घर है, 400 घर है, 500 घर है, उस घर का गिनती मत करो, उस 500 घर में आप 10 व्यक्ति फल निकाल दो, 10 व्यक्ति को निकालो, रजिस्टर मेंटेन करो, एक गांव में बैठक करो और हमारा पारंपरिक सुशासन पाढ़ा व्यवस्था को आप दे दो, ताकि हम भी इस पारंपरिक सुशासन पाढ़ा व्यवस्था के माध्यम से हमारा जो आगे का काम होगा हम आगे बढ़ाएंगे, तभी कहीं ना कहीं हमारा पूर्ण रूप से सुशासन व्यवस्था पे हम प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ को सोचना है और कहना है, और युवाओं लोग को आज का, खास करके हमारे युवा लोग में बहुत कमी है, और इस कमी का दूर करने का एक ही उपाय है। आपको बोले 50 लड़का अगर एक गांव में है, आप 50 लड़का को मत पकड़ो, कहीं ना कहीं अगर 50 लड़का है, 10 लड़का आपका बात को सुनता होगा, 10ों नहीं सुनता है, आधा दूर 5 जरूर सुनता होगा आपके पीछे, मगर गांव में आप लीडर हैं तो 5 लोग सुनता होगा। 5 व्यक्ति का दिमाग को केंद्रित करो, 5 व्यक्ति का दिमाग को केंद्रित करो, उसको बैठाओ और खाली समाज इसका उत्थान कैसे होगा, हमारे कैसे बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे, इस पर जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, सभी लोगों को, और बहुत बात है, सब बात को नहीं बोला जा सकता है। अभी क्या होता है, बहुत गांव में देखते हैं, हमारे ही आपस में जो मनमुटाव जो होता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म लेके, कहीं ना कहीं अपना पहचान